ये कहानी होली की है। होली को अपना नाम असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी, न किसी जानवर से, न वो अंदर मरेगा न बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा से कह दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा करे। लेकिन उसके अपने ही बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की प्रार्थना जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिरा दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को कुएं में फेंक दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, पर भी वो उसका कुछ कर न सके। उसके बाद प्रहलाद को एक कमरे में जहरीले और भयानक सांपों के साथ रखा दिया गया, परंतु इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका को वरदान में एक शॉल मिली थी। वह शॉल अगर वो ओढ़कर आग में भी बैठ जाए तो भी वो जल न सकेगी, और इसीलिए उसने प्रहलाद को लेकर आग पर बैठ गई और वो शॉल अचानक से प्रहलाद पर आग गिरी और होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का रूप लिया, जो आधा शेर और आधा मानव होता है, और उसे अपने नाखूनों से संध्या के समय मार दिया। और इसीलिए हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखते हुए होलिका को जलाया जाता है और उसके अगले दिन होली या फिर रंग पंचमी मनाई जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।